हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने मोर पंखों वाला दो तरह का तोरण बनाया था, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इस वीडियो में मैं मोर पंख की मदद से ही चकोर आकार का यह डिज़ाइन बताऊंगी। और इस डिज़ाइन की मदद से आप अपने पसंद के कलर के ऊन से थाल पोज बना सकते हैं। टेबल का कवर छोटा या बड़े साइज़ का आप तैयार कर सकते हैं। कुशन का कवर आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने इस डिज़ाइन की मदद से यहाँ पर दीवार पर लगाने के लिए वॉल हैंगिंग तैयार किया है। और पूरा बनने के बाद इसमें मैंने लास्ट में छोटे छोटे साइज़ का आईना और मोती लगाया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अलग लगता है। और पूरा बनने के बाद मैं आपको दीवार पर इसे लगा करके दिखाऊँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से मोर पंखों वाला टिक्की तैयार करेंगे। जितना बड़ा बनाना है आपको, उसी के हिसाब से आप पहले टिक्की बनाइए। मैंने यहाँ पर टोटल 16 मोर पंखों वाला टिक्की तैयार किया है। और इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 4-ply ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। दो उंगली में ऊन को हम इस तरीके से तिरछा करके लपेटेंगे, फिर हम क्रूस को ऊन में डालेंगे और पीछे वाले ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर हमें मैजिक रिंग के अंदर टोटल 5 double crochet तैयार करना है। तो क्रूश में हम फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर हम 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा double crochet हो गया। ऐसे ही हम 4 बार और बना लेते हैं। तो चैन को मिलाकर टोटल हमारा 6 double crochet तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 6 double crochet तैयार हो गया। अब हम 3 triple crochet बनाएंगे। तो क्रूस में हम ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और फिर रिंग के अंदर डालते हुए इसे हम निकालेंगे। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे, फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, हम 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 2 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा 3 triple crochet हो गया। ऐसे ही हम 2 बार और बना लेते हैं। तो टोटल हमारा 3 triple crochet तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 triple crochet तैयार हो गया। इसके बाद हम 6 double crochet तैयार करेंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया था, ठीक वैसे ही हमें 6 double crochet तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा 6 double crochet तैयार हो गया। मैजिक रिंग वाले ऊन को हम पीछे से थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर देंगे, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इसके बाद इसमें हम दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। अभी हमें इस कलर के ऊन से यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो पहले हम ऊन को जोड़ लेते हैं। ऊन हमारा जुड़ गया। और इसके बाद हम इस कलर के ऊन से फिर से रिंग के अंदर टोटल 6 double crochet तैयार करेंगे। तो ये हमारा 6 double crochet तैयार हो गया। और अभी हमें इसी ऊन से आगे डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। पीछे से
से जितना हो सके हम मैजिक रिंग वाले ऊन को धीरे धीरे करके खींच लेंगे और इसके बाद पहले वाले ऊन को हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया और अभी हमें एक चैन में दो सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। यहाँ तक लास्ट तक हमें तैयार करना है। हमें पहले चैन से बनाना शुरू करना है तो इसे हम थोड़ा सा खोल देते हैं और इसके बाद हम पहले वाले चैन में क्रूस को डालेंगे। ऊन को अंदर लेते हुए हम 2 का 1 कर देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ऐसे हम एक और तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक चैन में दो सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट चैन तक एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम सबसे शुरू वाले चैन में क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को हम अच्छे से फंसा देंगे और इसके बाद जितना भी पीछे हमारा ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसमें तीसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे अभी हमें यहाँ पर किनारे में इस चैन में जोड़ना है। तो क्रूस को हम चैन के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमें 5 चैन में 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर ऊन को बाहर करते हुए 2 का 1 कर देंगे तो ये हमारा 2 हो गया। 3, 4 और ये 5, हमारा 5 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हमें एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया और फिर हम इसी चैन में एक और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हमें 2 चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो पहले वाले चैन में हम क्रूस में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए बाहर करेंगे, फिर हम 3 का 1 कर देंगे तो ये हमारा 1/2 डबल क्रोशिया हो गया। एक और चैन में हम इसी तरीके से बना लेते हैं। अब हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चैन में तैयार करना है। तो पहले वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया पहले तैयार कर लेते हैं और इसके बाद दूसरे वाले चैन में 1 और डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 3 चैन में 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया। दो ट्रिपल क्रोशिया एक और हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम बीचों बीच 1 चैन में 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में हम फंदा को 3 बार लपेटेंगे और फिर चैन के अंदर डालते हुए इसे हम बाहर निकालेंगे, फिर हम फंदा लेंगे और इसे हम 4 कर देंगे, उसके बाद फिर से फंदा लेकर 3 करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 करेंगे, फिर हम इसे 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया और इसी चैन में हम एक बार और तैयार कर लेते हैं। तो एक चैन में हमारा 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पंख का बीचों बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। हमने एक तरफ का भाग जो है पूरा बना लिया। इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ का भाग भी तैयार करना है।
इसके लिए हम सबसे पहले तीन चैन में तीन ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा एक हो गया, दो, और ये हमारा तीन। इसके बाद हम दो चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दो चैन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम एक चैन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें लास्ट चैन तक सभी में सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया। सबसे पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को वहाँ पर लॉक कर देंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे, फिर हम पीछे की तरफ से ऊन को क्रोशिया की मदद से अच्छे से फंसा देंगे और फिर हम दोनों ऊन को बांध लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद इसमें हमें चौथे कलर के ऊन को जोड़ना है। ऊन हमारा जुड़ गया, अभी हमें चैन में सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से हम चैन में क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, बस हमें बीचों बीच हमने जो 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके बीच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया 1 चैन 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और बाकी सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन गया और अब हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया हमारा तैयार हो गया। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसमें पांचवें कलर के ऊन को जोड़ेंगे। ऊन हमें यहाँ पर जोड़ना है बीचों बीच। जहाँ पर हमने ऊन को जोड़ा है उसी चैन में हमें पहले 2 चैन बनाना है। ये हमारा एक हो गया और ये 2, और इसके बाद इसी चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चैन और 1 डबल क्रोशिया को मिलाकर हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें सभी चैन में 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है, बस हमें बीचों बीच यहाँ पर हमें 1 चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है, बाकी दोनों तरफ सभी चैन में हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। पूरा एक भाग में मैंने सभी चैन में डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। अब हम बीचों बीच यहाँ पर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और उसके बाद बाकी चैन में हम 1 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन पूरा तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा मोर का पंख जो है तैयार हो गया। अब हम इसके किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम अपने पसंद के कलर का ऊन लेंगे और फिर इसे हमें इस तरीके से जोड़ना है। पंख को हमें इस तरीके से पहले मोड़ना है। और फिर हमें 4 भागों में इसे बांटना है। तो ऊपर का हमारा 2 भाग हो गया और दोनों तरफ एक एक भाग, तो हमारा
चार कोना हो गया, चारों कोने में हमें डिज़ाइन बनाना है। चैन में हम ऊन को जोड़ देंगे और इसी चैन में हमें तीन चैन, वन ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन और टू ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो हमारा तीन चैन और वन ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे, तो ये हमारा एक और ये दो, और इसी चैन में हमें दो बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। एक कोने का डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हमें तीन चैन में तीन ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो पहले वाले चैन से हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, इसके बाद वाले चैन में हम बनाएंगे और फिर उसके बाद वाले चैन में। तो ये हमारा थ्री ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन से हमें बीच वाले चैन के एक चैन पहले तक सभी चैन में हमें वन डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए बीच वाले चैन के एक पहले तक हम बनाएंगे। तो मैं आपको वहां तक बना करके दिखाती हूँ। अब हमें बीच वाले एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया, इसमें हम दो चैन लगा देंगे और फिर इसी चैन में हम दो डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का दूसरा कोना तैयार हो गया और पंख का हमारा एक भाग जो है पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें तीनों भाग तैयार करना है। इस तरफ हम डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे और उसके बाद बीचों बीच जैसे हमने इधर बनाया था ठीक बराबर में यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। और जैसे हमने ऊपर बनाया था ठीक उसके नीचे हम यहाँ पर डिज़ाइन तैयार कर लेंगे और सभी के बीच बीच में हमारा डबल क्रोशिया रहेगा। तो अभी हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हमने इस साइड बनाया था ठीक उसके बराबर में हमें अभी यहाँ पर थ्री चैन में थ्री ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो हम थ्री ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। अब हम एक चैन में दो ट्रिपल क्रोशिया, टू चैन, दो ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने दूसरे तरफ किया था। इसके बाद हम तीन चैन में तीन ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा भाग भी तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें दो भाग और तैयार कर लेना है। तो यहाँ से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पर हम एक ही चैन में डिज़ाइन बनाएंगे और बीच में हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर इस तरफ भी हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और यहाँ पर हम थ्री चैन में थ्री ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। शुरू में हमने जो चैन बनाया था ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ ले लेंगे और इसके बाद हम क्रूस को बीच में इस तरीके से डालेंगे और ऊन को हम बाहर कर लेंगे। अभी हमें बीचों बीच से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है, तो बीच में हम दो बार सिंगल क्रोशिया, दो चैन और दो बार हमें फिर से सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। और फिर इसके बाद वाले सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करते जाना है। जिस तरीके से हमने एक कोना तैयार किया ऐसे ही हमें चारों कोना तैयार करना है और बीच वाले सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम लास्ट वाले चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से हम टिक्की बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। मैंने टोटल 16 टिक्की बनाया है और सभी को इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब हम सुई की मदद से दो दो टिक्की को पकड़ते हुए इसे हम जोड़ते जाएंगे। पहले हम दो टिक्की उठाएंगे और इसे हम पहले अच्छे से बराबर कर लेंगे और फिर ऊपर से चैन को पकड़ते हुए सुई और ऊन की मदद से इसे हम जोड़ते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। दो टिक्की हमारा आपस में जुड़ गया और इसी तरीके से हम ये दोनों टिक्की को भी जोड़ लेंगे। तो मैं दोनों को भी जोड़ करके आपको दिखाती हूँ। अब हम दोनों को पकड़कर बीचों बीच यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेंगे तो फिर हमारा एक पट्टी जो है पूरा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें जोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखना है। हमें पहले टिक्की को बराबर कर लेना है और ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही धीरे धीरे करते हुए हमें जोड़ना है। टिक्की को जोड़ते हुए मैंने इस तरीके से चार पट्टी जो है तैयार कर लिया है। अब हम दो पट्टी को बीचों बीच जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पहले हम दोनों पट्टी को इस तरीके से हल्के हाथों से बराबर करेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से दो दो पट्टी को जोड़ लिया। अब हम दोनों पट्टी को एक साथ जोड़ेंगे। तो दोनों को हम इस तरीके से पहले बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम सुई और ऊन की मदद से बीचों बीच इसे जोड़ लेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ।
हमारा टिक्की जो है इस तरीके से जुड़ गया और हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले ऊन को जोड़ेंगे कोने पर, जहाँ पर हमने दो चैन बनाया था ठीक उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को वहाँ पर लॉक करके फिर हम उसमें दो चैन एक डबल क्रोशिया, दो चैन दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। दो चैन और एक डबल क्रोशिया मिला करके हमारा दो डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें कोने पर हमारा बचा हुआ तीन कोने पर दो डबल क्रोशिया, दो चैन दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और बीच में जितना भी हमारा चैन है सभी चैन में हमें वन डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से एक लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। यहाँ मैंने दो लाइन में डिज़ाइन तैयार किया है, आप चाहे तो तीन चार पाँच जितना चौड़ा आपको बॉर्डर रखना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने किनारे का जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि हमारा बीच में जो मोर पंख है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और अगर आपको दूसरा डिज़ाइन का बॉर्डर तैयार करना है तो आप तैयार कर सकते हैं। चैनल पे मैंने बहुत सारे डिज़ाइन में किनारे का बॉर्डर जो है अलग अलग तरह का बनाया है, आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे, तो क्रूस को हम बीचों बीच चैन के बीच में ले जाएंगे और वहाँ पर हम लॉक करेंगे और फिर से हम वहाँ पर दो चैन लगा देंगे। दो चैन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे चारों कोने पर, जैसे हमने पहले लाइन में किया था। और बीच बीच वाले चैन में सभी में हम एक चैन में एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा लाइन पूरा तैयार कर लेते हैं, तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा सुंदर सा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके किनारे में झालर लगाएंगे। झालर भी आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने बीच में मोर पंख बहुत सारे कलर से बनाया है, तो उसी के हिसाब से मैंने छोटे छोटे साइज का पम पम बना करके मोती की मदद से इसे मैंने लगाया है। पम पम कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और इस डिज़ाइन को आप पूरा तैयार कर सके। पहले हम सुई में पम पम को डालेंगे और उसके बाद जितना लंबा हमें झालर रखना है उसी के हिसाब से हम इसमें मोती को डालेंगे। मोती डालने के बाद हम इसे इस तरीके से चैन में जोड़ देंगे और दो झालर के बीच में दूरी कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें झालर लगाते जाना है, मैं आपको पूरा झालर जो है लगा करके दिखाती हूँ। अगर आपको पॉम पॉम नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से भी झालर बना करके लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत मोर पंखों वाला चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया है। और अगर आप इस डिज़ाइन को दीवार पर लगाना चाहते हैं तो आप इसके पंख के बीच में मोती और छोटे साइज का आईना लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
फ्रेंड्स आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।